हे एवरीवन, आज की रीडिंग में देखेंगे जो भी थर्ड पार्टी में प्रेजेंट हैं, अभी जो थर्ड पार्टी में स्टक है उनके लिए ही होगी ये स्पेशल रीडिंग। अगर वो थर्ड पार्टी में प्रेजेंट है, बार बार आपके पास आ रहे जा रहे हैं, एक इन आउट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? दो पाइल में मैं रीडिंग करूँगी, अपना अपना पाइल बहुत केयरफुली चूज़ कीजिए एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी हैं, क्या उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। दिस इज़ पाइल नंबर वन। ओके, मैं एक बार इसको शफल कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ पाइल नंबर टू। चलिए, पाइल नंबर वन के लिए आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप इनका वेट मत कीजिए। जो भी पाइल नंबर वन चूज़ किए हैं, आपके पर्सन में ईगो बहुत है, बहुत ईगो क्लैश होगी थर्ड पार्टी के लिए। मतलब होता है ना कि थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें तो ये बहुत ईगो में दिखाएंगे, थोड़ा मैनिपुलेटिंग नेचर, आपको दबाने की कोशिश करना कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। ये चाहे थर्ड पार्टी से निकले ना निकले, बट आप उनका वेट हमेशा करते रहे, इनका ये नेचर है। तो पाइल नंबर वन के लिए मैं बोलूँगी आपको डेफिनेटली इस रिलेशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का कमिटमेंट आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। एंड फॉर पाइल नंबर टू, देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में आप भी जितना पेन में है ना, आपके पर्सन भी उतना ही पेन में है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ये ना चाहकर भी उस जगह से निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे यही पाइल नंबर टू के लिए मैं बोलूँगी स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। यहाँ पे बहुतों के लिए मैं बोलूँगी कि सबके लिए नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक इम्पोज किया गया है कि आप उनके साथ ना रहें। तो आपका रिलेशन अभी जो चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग रहकर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसी है या ऐसा बनाया जा रहा है कि वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए। तो दोनों सिचुएशन में मैं अभी बोलूँगी पाइल नंबर टू के लिए ना, अभी आप लोग खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा हील होंगे, इस रिलेशन के लिए आगे सोचने की भी हिम्मत लाएंगे। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। होप इट इज़